ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मध्य विद्यालय अलार्गो में उपस्थित हूँ। मंत्री बेबी देवी जो इंडिया अलायंस के तहत झामुमो की उम्मीदवार हैं, पहली वोटर हैं, इस बूथ नंबर 347 पे वोट देकर के निकली हैं। मैडम, क्या अपील करेंगी डुमरी की जनता से, क्या अपील करेंगी? शांतिपूर्ण करेगा और क्या, शांति से वोट देंगे जनता सब, मतलब लोग जाएं जाकर के मतदान करें। हाँ, जाकर करेंगे मंत्र, जितना जितना सब जनता है देंगे वोट। मैडम, आप मंत्री भी हैं, बगैर विधायक बने आपको हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, उसके बाद ही ये चुनाव हो रहा है। आप जो है कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए चुनाव जीतना? निश्चित है जीत है। आपको ये यकीन है कि डुमरी की जनता आपके साथ जाएगी? हाँ है, सब जनता है। आराम से भैया, आराम से रहा है पूरे डुमरी में। हाँ, वोट दे दिए अब अपना। कुछ अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट हो, जाएं मतदान केंद्रों पे, क्या अपील करेंगे आप? मंत्री जी के आशीर्वाद है, सब जनता में रही है, अब 8 तारीख के बाद ही कहूँ। हाँ, जीत तो है, आप जीतेंगे। हाँ, आपका मुद्दा क्या है, किस आधार पर जनता आपको वोट करे? 8 तारीख के बाद आप कह सकते हैं। मंत्री बेबी देवी हैं जो पहली वोटर के तौर पे जो है मतदान केंद्र से निकल रही हैं। 347 जो कि बूथ नंबर है इनका, यहीं पे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो भी सबसे पहले आकर के वोट डाला करते थे और आज उसी परंपरा को निभाते हुए मंत्री बेबी देवी ने भी जो है सबसे पहले आकर के वोट किया है और साथ ही ये अपील किया है कि सभी लोग मतदान केंद्रों पे जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें। शुक्रिया। हो गया, आ जाओ।